नमस्कार दर्शकों, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के विराट बजरंगी सबके कष्ट दूर कर देते हैं। जी हां दर्शकों, शाहजहांपुर का हनुमत धाम जिसको विराट बजरंगी के रूप में भी माना जाता है, कहते हैं कि खन्नौद नदी के बीचों बीच टापू पर बने हनुमत धाम की छटा ही निराली है। करीब 10 साल लगे नदी के बीच में टापू पर हनुमत धाम बनाने में। जी हां दर्शकों, 104 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई। यहां दूर दराज जिलों से लोग दर्शन करने को आते हैं। हनुमत धाम को अब उत्तर प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर भी देखा जा सकता है। इस धार्मिक स्थल को और विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर किया है जो कई करोड़ रुपए का है। हनुमत धाम की ओर से स्टेडियम नुमा सीढ़ियां बनाए जाने का भी केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने स्वीकृत किया है। जी हां दर्शकों, हम आपको बता दें कि हनुमत धाम, इस स्पॉट का नाम हनुमत धाम इसलिए रखा गया है, इस जगह को पिकनिक स्पॉट के साथ एक धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया गया, जहां 104 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। इस धार्मिक स्थल के सौंदर्यकरण का काम लगातार जारी है। यहां नदी में मोटर बोट चलाने की भी योजना है। कहते हैं कि शाहजहांपुर के हनुमत धाम की स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग दिल्ली के मशहूर स्ट्रक्चर पंकज गुप्ता ने की है। यहाँ की लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन सुशील शर्मा बताते हैं कि इस प्रतिमा की ऊंचाई 101 फीट रखने की योजना थी, पर बाद में इसके बेस पर 21 फीट का चबूतरा बनाया गया, जिससे इसकी ऊंचाई अब 122 फीट हो गई है। इसके पहले देश में उड़ीसा में रावरकेला में 75 फीट 9 इंच, शुक्रताल में 74 फीट, शिमला में 81 फीट और दिल्ली के छतरपुर में 65 फुट ऊंची प्रतिमाएं हैं। इस लिहाज से देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा है। ऐसे पड़ी शहर में हनुमत धाम प्रोजेक्ट की नींव। जी हां दर्शकों, हम आपको बता दें, ये बात साल 2002 की है। उस समय सूबे में बसपा और भाजपा की मिलीजुली सरकार हुआ करती थी। शहर विधायक सुरेश कुमार खन्ना उस समय सरकार में पर्यटन मंत्री हुआ करते थे। बिसरात घाट पर खन्नौत नदी के बीच एक छोटा सा टापू है। उनके मन में इस टापू को एक धार्मिक कम पिकनिक स्पॉट बनाने का ख्याल आया। 4 मई 2003 को प्रदेश के आवास एवं नगर विकास मंत्री लालजी टंडन उसकी बुनियाद रखने आए थे। यहां पर हनुमत धाम में हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति के अलावा अन्य मूर्तियां भी आकर्षण का केंद्र है। जिस पर्वत पर हनुमान जी की मूर्ति स्थित है, उसके नीचे बनाई गई प्राकृतिक गुफा को अत्याधुनिक रूप दिया गया है। गुफा के भीतरी भाग में पूजन के लिए बकायदा हनुमान जी की एक अन्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके अलावा गुफा के अंदर बाहर भी श्री गणेश जी, सूर्य भगवान, शिवलिंग, माँ सरस्वती तथा माँ दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नेक्स्ट 9 स्पीशियो से रजत की रिपोर्ट।